नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग भारत के अंदर लोगों को पसंद आती चली जा रही है और धीरे धीरे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते चले जा रहे हैं और काफी अच्छी खासी मोटी रकम नेटवर्क मार्केटिंग में वो काम कर कर कमाते भी चले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से आप अपनी टीम नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से डेवलप कर सकते हो और किस प्रकार से आप उन टीम से हर महीने हजारों लाखों रुपए कमा सकते हो, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, काफी सारी कंपनियां हमारी भारत के अंदर मौजूद हैं। कुछ कंपनियां प्रोडक्ट सेल करती हैं, कुछ कंपनियां सर्विस देती हैं और कुछ कंपनियां इन्वेस्ट करवाती हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी के अंदर काम करना है। आप प्रोडक्ट सेल करा सकते हो या फिर आपको सर्विस चाहिए या फिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर कर उसको 2 गुना 3 गुना या 5 गुना करना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सोच के ऊपर और आपके काम करने की क्षमता के ऊपर। अब बात करते हैं कि हम हमारी टीम को कैसे डेवलप करें। सबसे मेन चीज है कि लोग, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट प्लान को ही अपनाते हैं और काफी सारा बड़ा धोखा वो खाते भी चले जाते हैं। यानी कि काफी कंपनियां आती हैं जो कि पैसा लगवाती हैं, पैसा इन्वेस्ट करवाती हैं कि 6 महीने में पैसा डबल या जितना पैसा आपने लगाया उसके बदले में आपको गोल्ड प्राप्त होने वाला है, या आपने पैसा इन्वेस्ट कीजिए और अगर आपका पैसा आपको चाहिए तो पैसा ले सकते हो, उसके बदले में आप कहीं पर कोई जमीन ले सकते हो। अलग अलग इन्वेस्टमेंट कंपनियां अलग अलग प्लान लेकर आती हैं जिसके अंदर लोग काफी ज्यादा फंसते चले जाते हैं और काफी ज्यादा पैसा वो लगाते चले जाते हैं और उसके बाद में अपना सर पकड़कर बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अपनी उम्र भर की पूंजी वो इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर लगा देते हैं और फिर अपना सर पकड़कर चकराकर बैठ जाते हैं और उसके बाद में कुछ आना जाना नहीं होता है। तो सबसे मेन चीज है कि आप सोच समझकर अपना पैसा लगाइए और सोच समझकर अपना डिसीजन लीजिए ताकि आगे आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अब दूसरे प्लान की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा आता है सर्विस का। सर्विस के अंदर काफी सारी कंपनियां हैं कि आपको ज्वाइन कराती हैं और आपको सर्विस देती हैं, जैसे कि हेल्थ की सर्विस हुई, कुछ आपको ये मान लीजिए कवर करती हैं आपकी फैमिली को, कुछ आपको इंश्योरेंस देती हैं। तो काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन उनकी लगी रहती हैं। तो सर्विस के रिगार्डिंग भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपके काम आने वाला है और कभी आपको इन केस कभी कोई परेशानी आ जाती है, कभी कोई समस्या आ जाती है या फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में आपके ये प्लान सर्विस वाला आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो सर्विस वाले प्लान के अंदर आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट कर आप उसका आने वाले समय पर उसका सही उपयोग कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 10 या 15 साल आपने पैसा बचाकर काफी सारी, ये मान लीजिए अपनी सेविंग कर ली है, 15 या 20 लाख रुपए की सेविंग कर ली और इन केस कभी आपको कोई आपत्ति उत्पन्न हो जाती है, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है या फिर कभी कोई मेडिकल की आपको आवश्यकता पड़ जाती है तो आपकी 10 से 15 साल की जो सेविंग आपने की थी, जो आपने अपनी आवश्यकताओं को कम कर कर उस सेविंग को किया था, वो आपकी विद इन ए वीक यानी कि एक सप्ताह के अंदर आपकी जीरो बन सकती है। और इसके साथ साथ आपको और भी कर्जा आपको लेना पड़ सकता है जिससे आपका आने वाला समय बहुत ही दुविधापूर्ण हो सकता है, बहुत ही दुखों भरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना होती है या फिर कोई आपको मान लीजिए आवश्यकता पड़ जाती है तो आपकी जो सेविंग आपने की थी वो विद इन ए वीक आपकी जीरो बन सकती है और आपको और बैंक से या किसी से उधार आपको लेना पड़ सकता है। और जब आप उधार लेते हो तो सेविंग करना तो आपके लिए नामुमकिन है, आपको वही उधार आपको पहले उसको उतारना पड़ेगा और उसके बाद आप कुछ सेविंग का सोच सकते हो। तो ये भी आपके लिए बेस्ट है।
और तीसरी अगर हम बात करें, तीसरे प्लान की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं, उसके अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो और उसके अंदर क्या फायदा होता है वो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। यानी कि आप अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए और पैसा कमाइए। डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का एक ही नारा है कि अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और पैसा कमाइए। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी कई ऐसी हैं जो कि आपको मेडिकल से संबंधित जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी देती है, आपको मेडिकल कवर करने के लिए बोलती हैं और आपको दवाइयां देती रहती हैं कि बीमार लोगों को आप ढूंढिए और आप उनको दवाई देकर उनको दुरुस्त करिए। तो यह भी बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि खाने पीने के प्रोडक्ट तो बहुत ही आसमान तक छूते हैं और दवाइयां वगैरह आपको देते रहते हैं, तो आपको बीमार ढूंढना पड़ेगा और फिर आप उसको दवाई के बारे में जानकारी बताइए और फिर आप उसको स्वस्थ करिए और उसके बाद आपको कुछ पैसे की प्राप्ति होती चली जाती है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि आपको ग्रोसरी आइटम और आपको FMCG आपको आइटम देती हैं और उसके साथ आप लोगों को जोड़िए और उसके साथ साथ आपको पैसे की भी प्राप्ति होती चली जाएगी, आप भी अच्छा खाइए और पैसा कमाइए। कई कंपनियों का एक ही डिसीजन होता है, एक ही नारा होता है कि आप अच्छा खाइए, बीमार मत बनिए और दवाई मत खाइए और साथ ही साथ पैसा भी कमाइए। अब लोगों के सामने दुविधा होती है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो अपनी टीम कैसे डेवलप करें। टीम डेवलप के लिए कई लोगों के सामने काफी सारी समस्या उत्पन्न होती है, कुछ जानकारी वो बताते हैं अगर किसी को ज्वाइन करने के लिए तो उनको काफी ज्यादा ये मान लीजिए तर्क वितर्क सुनने पड़ते हैं कि पहले तू अमीर बन जा, हम तो नहीं करने वाले, हमारे से नहीं होता जोड़ने तोड़ने का काम, भैया ये सबसे गंदा बिजनेस है, ये इसके अंदर गालियां ही सुनने को मिलती हैं और ये हम नहीं कर पाएंगे, मैं तो ये कहता हूं कि तू भी मत कर। इस प्रकार से काफी सारे आपको आर्गुमेंट तर्क वितर्क सुनने को मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पर। अगर आपने डिसीजन कर लिया है नेटवर्क मार्केटिंग का ज्वाइन करने का, तो सबसे अच्छा निर्णय आपकी लाइफ का होगा वो, और सबसे अच्छा मौका होगा जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करोगे। और नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद में आप अपने जीवन के सारे सपने इसी जीवन काल के अंदर पूरे भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक वाक्य देखा, वो मैं आपको यहां पर जरूर बताना चाहूंगा। मैंने एक चीज देखी थी, ग्राउंड था काफी बड़ा और वहां पर कुछ कचरा था और कुछ लोग वहां पर एक रस्सी बांधकर, दो तीन बच्चे थे और उनके साथ एक दो लेडीज थी, रस्सी बांधकर और उन्होंने एक रस्सी के पीछे कुछ चीज लटका रखी थी और वो चीज थी मैग्नेट। उन्होंने एक रस्सी के मैग्नेट बांध रखा था और वो मैग्नेट बड़ा था, बड़ी मात्रा में था, इतना बड़ा था मैग्नेट, और उन्होंने अपनी कमर के वो रस्सी बांध रखी थी और वो रस्सी थोड़ी दूर उन्होंने कर रखी थी और वो ग्राउंड के अंदर चलते चले जा रहे थे। उनके कुछ दो तीन छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चों के उसकी एज के अकॉर्डिंग मैग्नेट था छोटा जिसको वो आसानी से खींच सके, और बड़ी जो लेडीज थी उनके पास इतना बड़ा मैग्नेट बंधा हुआ था जो उसको वो आसानी से खींचती चली जा रही थी। यानी कि उनका एक ही काम था, चलते चले जाना। अब मैग्नेट जो उन्होंने बांध रखा था अपनी कमर के, तो मैग्नेट भी उनके साथ साथ घसीटता चला जा रहा था और फिर वो 5 मिनट के बाद में रुकते, मैग्नेट को खींचते रस्सी से और मैग्नेट के अंदर जो लोहा चिपक जाता उसको अपने बोरे के अंदर डालते और फिर मैग्नेट को नीचे डाल देते और फिर आगे चलते। यानी कि उनका काम था कि वो चलते रहते हैं और जो भी लोग उनके साथ जुड़ते चले जाते हैं, जो भी आयरन उनके मैग्नेट के चिपकता है, जो भी मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है और चिपका लेता है, उसको वो खींचकर और अपने बोरे में डाल लेते हैं। यानी कि अपना काम वो करते चले जा रहे हैं और मैग्नेट अपना काम करता चला जा रहा है, मैग्नेट लोहे को खींचता चला जा रहा है और वो अपने बोरे में भरते चले जा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आप इस प्रकार से पूरे दिन के अंदर कितना लोहा इकट्ठा कर लेते हैं, तो उनका जो जवाब था आप सुन के अचंभित होंगे,
उनका जवाब था कि हम रोजाना कम से कम 25 से 30 किलो लोहा 25 से 30 किलो लोहा इस प्रकार से इकट्ठा कर लेते हैं और मात्र हम हमारी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। यानी कि हम जब धूप होती है तो नहीं निकलते, हम जब बारिश होती है तो नहीं निकलते, हम जब भी निकलते हैं 25 से 30 किलो लोहा इकट्ठा कर हम उसको सेल कर देते हैं और उससे पैसे की प्राप्ति हमारी को हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप एक नेटवर्कर बनना चाहते हो तो ये मत देखिए आप कि कौन हमारे साथ जुड़ रहा है, कौन हमारे साथ नहीं जुड़ रहा। आपका काम है आप अपना प्लान उनको समझाते चले जाइए, समझाने में किसी प्रकार की कोई कमी आप मत छोड़िए। आप उसको बिल्कुल इस प्रकार से समझाइए कि बंदे को सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके और आप आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, जिन जिन लोगों को आप समझाते चले जाओगे, आप देखोगे कि वो सारे के सारे लोग आपके पीछे ही चलते आ रहे हैं, आपके साथ ही ज्वाइन हो चुके हैं और आपके पीछे ही वो जुड़ चुके हैं। और आपके पीछे जब आप मुड़कर देखोगे तो आपके पीछे बहुत बड़ी टीम आपको देखने को मिलेगी और उससे जो इनकम आपको प्राप्त होने वाली है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में आपको प्राप्त होने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का काम बहुत ही अच्छा है और इससे ज्यादा ये मान लीजिए आप पैसा किसी भी क्षेत्र के अंदर नहीं कमा सकते। इसके अंदर जो भी काम आप करोगे उससे आपकी सारी की सारी जरूरतें पूरी होती चली जाएंगी। अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, अगर आप अपना दिमाग का इस्तेमाल कर अगर आप आगे बढ़ते हो, अगर आप अपनी टीम को अच्छे से मैनेज करते हो, अगर आप अपनी टीम को जल्दी से जल्दी डेवलप करते हो, तो आप ये मान लीजिए इससे जो पैसे की प्राप्ति होने वाली है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में आपको होने वाली है और किसी एक दिन या एक महीने की नहीं, वो आने वाले कई सालों तक आपको प्राप्त होती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक बार अगर आप मेहनत करते हो अपनी टीम डेवलप करने में, अपनी टीम बनाने में, और जैसे ही आपकी टीम बड़ी बन जाती है तो उससे होने वाली इनकम आपको आने वाले 10 से 15 सालों तक मिलती चली जाएगी या फिर उससे भी ज्यादा सालों तक आपको प्राप्त होती चली जाएगी। तो मेरा तो आप सभी से अनुरोध है कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप जरूर अपनाइए और नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से ही आप अपने सारे के सारे सपने इसी जीवन काल के अंदर पूरे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।